Now, today my topic is properties of determinants. तो सबसे पहले इसमें जो first property है property number one में the value of determinant is not changed when rows are changed into columns. अगर rows को आप columns में change कर दें तो ना बिल्कुल भी इनका determinant की value जो answer rows में छोटे छोटे determinant बनाने के बाद आएंगे वही कॉलम्स में भी छोटे छोटे डिटरमिनेंट्स बनाने के बाद अगर प्लस फाइव आ रहा तो प्लस फाइव ही आएगा रोज और आपका नाम देखो दो ठीक हो गया। अब आपका देख सकते डिटरमिनेंट आपका दिया है जैसे सपोज ये ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू ये भी लिख सकते थे आप। डिटरमिनेंट आपका हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स पे काम करता है ये तो आप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा याद रखिएगा आपका नाम देखा तो मीन्स जब आपको यू विल एक्सपेंड इट एक्सपेंडिंग इट अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन विथ स्मॉल डिटरमिनेंट्स यानी कि कहने का मतलब ये आपने जैसे ए वन आपने किया यहां पे साइन कन्वेंशन की बात जो मैं कर रहा हूं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये साइन कन्वेंशन हो गया तो ये जो आपने ए वन आपका नाउ बी वन सॉरी बी बी टू बी थ्री सी टू सी थ्री फिर आपका दूसरा ये रोज के अकॉर्ड कर रहा हूं मैं आपका देखो ना दिस बारह रोज के ही आपका नाम ए टू रोज वाला हिंदी वाला रोज नहीं और जो वैलेंटाइन डे में देते हैं वो वाला रोज नहीं ये आर ओ डब्ल्यू एस वाला रोज है ए टू ये गया और वो गया तो आपका बी वन बी थ्री सी वन सी थ्री एंड देखो प्लस ए थ्री आपने किया तो बी वन बी टू सी वन सी थ्री इसको एक्सपेंड करके जब आपका जो आप लिखते थे तो ना हो डेल्टा ए वन इज इक्वल टू आपका नाम ए वन बी टू सी थ्री माइनस बी थ्री सी टू माइनस ए टू बी वन सी थ्री माइनस सी वन बी थ्री और प्लस ए थ्री इंटू बी वन सी टू माइनस सी वन बी टू मैंने ये भी कहा था ऊपर से जब आप नीचे आएंगे तो प्लस और नीचे से ऊपर जाएंगे उससे पहले आपका माइनस यू हैव टू पुट क्लियर हो गया अब इसी को देखो आपको ना चेंज रोज इंटू कॉलम्स अगर आप इसको रोज को कॉलम्स में चेंज कर देंगे जैसे इसको डेल्टा वन ले लेता हूं आपका ना इससे भी जो आपका आंसर आएगा तो ये भी आपका बिल्कुल यही है अब कई बार बच्चा ऐसे देखता उन्होंने कहा सर कैसी बात कर रहे हो आप यहां तो आपने ए वन मुझे दिख रहा है यहां बी वन दिख रहा है यहां सी वन तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा तो ये कोई जरूरी थोड़ा मैंने इसको ऐसे भी तो मैं कॉलम के थ्रू भी इसको कर सकता हूं ना पहली चीज तो ये होगी या अगर मैं ए वन बी वन सी वन ए वन बी वन सी वन अगर इस साइन कन्वेंशन से तो भी आपके क्या प्लस प्लस के एक साथ लिख दो जिनमें ए वन कॉमन होगा जिसमें ए टू जिसमें ए थ्री कॉमन होगा उसको बाहर ले लीजिए
लेकिन बारह द वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज व्हेन रोज आर चेंज इनटू द कॉलम। आप रो को कॉलम को रो में आप चेंज करके या आपका आप कॉलम के थ्रू या रोज के थ्रू कुछ भी करेंगे द आंसर विल बी सेम। श्योर एग्जाम्पल लेना चाहेंगे आप तो देखो इसका मतलब डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा। अब आप कहेंगे हमारी समझ में नहीं आ रहा जी आप तो हमें तो डेल्टा इज इक्वल टू देखो आपका 1 2 3 ये आपका एंट्रीज है 2 3 4 ये एंट्रीज है 0 1 5। आई हैव टू कम्यूट द वैल्यू ऑफ दिस वन मुझे अब इसकी वैल्यू निकालनी इसी 1 ये आपका आफ्टर मेकिंग शॉर्ट आपका ना माइनस आपका देखो 2 तो इधर आपका 2 4 0 5 और प्लस ये आपका 3 आ जाएगा तो 2 3 0 1 3 5 15 माइनस 4 माइनस 2 2 5 10 माइनस 0 और प्लस 3 इंटू आपका देखो 6 और माइनस 0 2 1 2 2 1 2 1 ऐसे मैंने साइन नहीं लगाया तो आप करो 15 में से 4 गया 11 ये आपका 20 प्लस 6 11 प्लस 6 इज 17 माइनस 20 ठीक है। अब आप करो इसी में क्या करते ना देखो अब इसको कॉलम्स में कर देते देखो लिखना तो ही बात को 0 बने उधर 15 में से 4 गया 10 में से 7 2 जा डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा बार इज इक्वल तो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 1 इफ यू आर गोइंग टू चेंज द रोज इनटू द कॉलम द आंसर विल बी नॉट अफेक्टेड। इज इट क्लियर फाइन कर लीजिएगा पहले प्रॉपर्टी नंबर 2 इसमें है इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स अगर कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट इंटरचेंज अगर आप इनको इंटरचेंज कर देंगे द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट इज आपका नाम ये भी आपका चेंज हो जाता है चेंज बट द वैल्यू रिमेन्स द सेम यानी कि जैसे इसका आंसर आपका क्या रहा था -3 दूसरे वाले में +3 आ जाएगा वैल्यू 3 रहेगी लेकिन माइनस प्लस अब एक्सपेंडिंग ये मैंने वही आपका इसलिए मैंने इसमें मिटाई नहीं ये आ रहा है जैसे अब आप करो तो चलो मैं इसको आपके उसमें से ले लूंगा अब देखो डेल्टा में अब आपने कहा देखो जैसे A1 B1 C1 तो आपने ऐसे रखा या रोज को करें ना तो रोज को करें तो जैसे A1 A2 A3 आपने की अब आप C1 C2 C3 और B1 B2 B3 यानी कि ये R2 और R3 में एक्सचेंज हो गया इंटरचेंज हो गया या R2 था या R3 बन गया या R3 या R2 बन गया पहले वाले से तो यही आएगा
नहीं, जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे ऐसे तो इसका जो आंसर आएगा डेल्टा इज इक्वल ए माइनस ए वन ऐसे आएगा, जो दो प्लस में थे ये माइनस हो जाएंगे, माइनस होगा प्लस हो जाएगा। और जब कम्यूट वैल्यू करेंगे आप तो ना, जैसे आपने जो डेल्टा था एग्जांपल की अगर आप बात करते हैं तो क्या था वन, सॉरी क्या था जरा बताइए, वन टू वन टू थ्री टू थ्री फोर जीरो वन इसका आंसर आपका क्या रहा था माइनस थ्री है। अब आपका ये डेल्टा और इसमें मैंने इसलिए इसको नहीं सॉल्व करके लिखा क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर वन में हमने इसकी वैल्यू निकाली इसलिए मैंने नहीं किया। अब मैं लेकिन इसको यहाँ मेरे को करना पड़ेगा वन टू थ्री अभी एक्सचेंज हो रहे हैं जीरो वन फाइव नौ टू थ्री फोर यानी कि आर टू इज रिप्लेस बाई आर थ्री एंड आर थ्री इज अकॉर्डिंग। अब ये यहाँ पे आर थ्री यहाँ चला गया आर टू यहाँ चलेगा अकॉर्डिंग टू दिस। देखो ये क्लियर। अब इसकी जब वैल्यू आप निकालेंगे वन वन फाइव देख लेते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं ना, माइनस टू है माइनस टू है अपन को सॉरी जीरो फाइव टू फोर जरा चेक करते रहना आप ना देखो थ्री आपका दिस इज द ये वन फोर माइनस फिफ्टीन माइनस टू जीरो माइनस टेन और प्लस थ्री थ्री माइनस टू माइनस इलेवन माइनस माइनस का प्लस ट्वेंटी और आपका नाम ये आपका कितना वैल्यू गड़बड़ क्यों देखिए इधर चेक करिए तो मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं किया माइनस सिक्स इलेवन माइनस सिक्स इज माइनस सेवेंटी और प्लस ट्वेंटी ये माइनस थ्री आ रहा था तो इसके बाद ये माइनस आ गया या ये माइनस आ रहा है ये प्लस आ गया ऐसे होते इसमें अपन समझ गए ये माइनस थ्री आ रहा था। तो जब आप क्या करेंगे दो रोज या दो कॉलम्स को आप इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू विल बी द सेम रिमेन द सेम बट द साइन विल बी चेंज। इज इट क्लियर प्लीज डू इट। यहां पे मैंने जल्दबाजी बट द वैल्यू ऑफ द ऑफ डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेंस द सेम या अगर आप इसको द वैल्यू रिमेंस द सेम भी आप इसको लिख सकते थे ये जरा कर लीजिएगा प्लीज। नाउ प्रॉपर्टी नंबर थ्री इज वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी जीरो हो जाती है अगर उनके दो रोज या दो कॉलम एक जैसे हों आइडेंटिकल सेम जैसा ये आपको डिटरमिनेंट दिया है ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू और आपका देखो ए वन बी वन सी वन फिर देखो ये जो आर वन है और ये जो आर थ्री है आपका देखो R1 वन इज इक्वल टू आर थ्री आपको दिखाई दे रहा है ठीक है। तो ना अब आपका देखो जब डिटरमिनेंट आपका ये हुआ ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू और आपका देखो ए वन बी वन सी वन दो रोज आपको दिखाई दे रही है आपका देखो जैसे अगर आप क्या करते हैं इसमें इसका मतलब ये डिटरमिनेंट ऐसे था। अब क्या करें आप जी इसमें देखो देखिए आर वन और आर टू को आप क्या कर आर थ्री को आप इंटरचेंज कर दीजिए यानी कि
देखो ये कायदे से ये क्या होगा, ये ए वन बी वन सी वन ये जैसे ही है, क्या फर्क पड़ा, लेकिन हमने इसको इंटरचेंज कर दिया। यानी कि जो अब ये आपका आर थ्री था, ये अब आपका देखो ये आर थ्री यहाँ आपका आ गया और ये आर वन यहाँ आ गया, इंटरचेंज हमने कर दिया। इससे क्या होगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो माइनस आएगी ऐसे इंटरचेंज करने। यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू ये डेल्टा बार हो जाएगा जी, तो देखो ना ये आ गया आपका, ये उधर जाएगा तो डेल्टा, बल्कि इसको डेल्टा बार मत करो नहीं तो नहीं आएगा डेल्टा, ऐसे वाला आपका जाओगे जीरो। बट खाली रो इंटरचेंज किया हमने तो टू डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, तो डेल्टा इज इक्वल टू जीरो बाई टू, ये आपका बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये आपका जीरो। ठीक है, इसका अगर आप एग्जांपल की बात करते हैं अपना वही वाला ले लीजिए, वन टू थ्री क्या था वो आपका देखो जो भी है टू, चलो वन टू थ्री कर दो आइडेंटिकली बनाना है। देखो तो ये क्या, इसका जब आंसर आप करेंगे ये इक्वल टू ऐसे कर देता हूँ, हाँ ये वन R3 को R1 की प्लेस में ले लो तो भी वही आएगा आंसर आइडेंटिकल, जब मतलब आइडेंटिकल दिखाया है कि ये जीरो आ जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा यूज इसी को कीजिएगा, इसी प्रॉपर्टी को, तो आपका मतलब कभी भी आप सवाल करें तो ये सबसे ज्यादा यूज होता है, इसी पे क्वेश्चन आपका बेस करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी कि दो को हम आइडेंटिकल बना देते हैं और उसके बाद लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी नंबर थ्री, इफ टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन डिटरमिनेंट इज जीरो। और सीधे आप क्योंकि प्रॉपर्टी का मतलब वेन एवर यू आर गोइंग टू सॉल्व एनी क्वेश्चन और उसमें अगर प्रॉपर्टी यूज हो रही है इसका मतलब दैट इज जस्ट यूटिलाइजिंग एज ए किट एज ए टूल की तरह आप कर रहे हैं, इट विल मेक यूर क्वेश्चन टू सॉल्व वेरी इजियर वेरी कन्वीनियंट आप करना, इज इट क्लियर। प्लीज देखिएगा मैंने तीन प्रॉपर्टी बताने के बाद अगर आप प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर फोर प्रॉपर्टी नंबर फाइव से लेकर के इसमें इलेवन प्रॉपर्टीज होती हैं, इलेवन। इसमें मेन प्रॉपर्टी जो दो काम करती है, एक तो या तो आप आइडेंटिकल बना लीजिए और आइडेंटिकल से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये जैसे कोई डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ इसका एक रो में दो जीरो बना दो या एक कॉलम में दो जीरो बना दो, जैसे इन दोनों को जीरो बना दो या इन दोनों को जीरो बना दो या इन दोनों को जीरो बना दो या इन दोनों को जीरो बना दो, तो ये तो देखो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट व्हेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ एटलीस्ट वन रो एंड और वन कॉलम, ये वन कॉलम है, आर इंटीजर्स और कैन बी मेड इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब यहाँ पे आपका जीरो इंटीजर्स अगर आप बना दें आपका बना दो, अब इसी में वर्किंग लूगा आपका इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। अगर किसी भी डिटरमिनेंट की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो थ्री ऑर्डर को थ्री इंटू थ्री द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स थ्री आपका थ्री, तो आपका देखो मेन एम इज टू गेट टू जीरो, आप क्या करना उसमें दो जीरोज लाने की कोशिश करना या तो एक ही कॉलम में या एक ही रोज में आपका लेकर के आपका देखो बाई यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, लेकिन उसमें आपकी प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट्स की लगनी चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन दिया अब इसमें कैसे, इसमें ऐड करना पड़ सकता है, इसमें सबट्रैक्ट करना पड़ सकता है, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, इसमें डिवाइड करना पड़ सकता है। आपका जैसे एड थ्री रोज और थ्री कॉलम्स आपका उनमें कर सकते हैं आपका, नाउ देखो दिस इज एड और सबट्रैक्ट टू रोज टू कॉलम्स आप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड एनी रो और एनी कॉलम बाय सुटेबल आपका जो आपका, यानी कि कुल मिलाकर के आवर मेन मोटो व्हेन एवर वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस आइदर द नंबर्स आर गिवन आइदर द ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मीन्स वेरिएबल्स आर गिवन आप कर रहा हूं, सो आवर मेन मोटो इज टू गेट टू जीरोस आइदर इन कॉलम्स और आपका नाउ
in rows of canonical cases. After getting two zeros in one row or one column, explain the determinant according to that rows or वो column के हिसाब से निकालेंगे तो question आपका छोटा बन जाएगा. अब आप कहेंगे सर इसमें क्या है, इसको हम ऐसा करते हैं, इसके छोटे छोटे डिटरमिनेंट बना देते हैं. अब यहां वो नहीं चलेगा. इसका द प्रोसीजर है मेन, द मेन प्रोसीजर इज टू मेक टू गेट आपका टू जीरोस इन वन रो और वन कॉलम में आपका ये जाता है. तो जी तो आप कैसे करेंगे जी, जैसे इसका सॉल्यूशन है. इसीलिए बड़ा नंबर एक लिया गया है आपके क्वेश्चन से. इन फर्स्ट रो अगर आप देखेंगे, देखो फर्स्ट रो में द नंबर आर बिगर देन द सेकेंड एंड द थर्ड. एक 198 आपका 187, यानी कि कहने का मतलब इसमें इन नंबर्स में अगर आप कुछ मल्टीप्लाई करते हैं और इनके इनके नजदीक ले लेते हैं अलग अलग, तो ऐसा कोई नंबर बनाइए कि जिसमें दो जीरोस रो में या कॉलम में आ जाए. ऐसा क्या आपका, तो उसके लिए आपका ऐड कर सकते हैं, आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं. तो अभी तो आपका ना डिवाइड का तो कॉलम ही नहीं है, इसका मतलब क्या कर जैसे ये R1 है फर्स्ट रो, इसमें R1 माइनस R2 के साथ ऐसे नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए. आप कहते हैं जैसे ये कर दें तो लव अलव जीरो आ जाएगा या उसके इक्वल आपका आ जाएगा. तो देखिए जैसे डेल्टा इज इक्वल टू 290 माइनस या जो 11 माइनस 90 इधर आकर 170 माइनस 11 इंटू 9 आपका देखना इज इट और नाउ दिस इज ये 345 माइनस आपका 11 इंटू 34 बाकी इसको एज इट इज आपका रख दीजिएगा आप 11, 19 से मल्टीप्लाई करके 219 से माइनस कर दीजिएगा कितना आता है 209 आना चाहिए. 11 नंबर निकलेंगे 3, 7, 4 और 3, 41 अभी देखो दिखा रहा हूँ, अभी तो छोटा बनाया है, अब क्यों चिंता. उसी में मैंने नहीं, मैं तो अपने कॉलम्स को बढ़ा रहा हूँ आपको जिससे घर जा करेगा. अब देखो यहाँ पे मैं R2 माइनस देखो 3 इंटू आर थ्री क्या क्या देखो अब आपका देखो डेल्टा इज 10 18 माइनस 20 R2 में देखो 19 माइनस 7 इंटू 3 9 माइनस 3 इंटू 3 या 34 माइनस 3 इंटू 5 और देखो इधर आपका 7 जी बताइए क्या आ रहे हैं, चेक करो. ये तो 10 रहा, 18 माइनस 29 ये आपका 7 3 से 21 आपका कितना हो गया माइनस 9 ये माइनस 2 0 आ गया. ये आपका कितना 34 में से 15 गया 19 10 आ गया
या तो ऊपर लाइए या तो नीचे लाइए या इधर लाइए या उधर लाइए, सेम रो से कॉलम में होना चाहिए। आर वन इसे बैठो, आर वन माइनस सिक्स आर थ्री हो गया। अब आप करो यहाँ आर वन में टेन माइनस सिक्स इंटू सेवन, दूसरा एटीन माइनस सिक्स इंटू थ्री, उसका मतलब माइनस ट्वेंटी नाइन माइनस सिक्स इंटू फाइव, ठीक है। अब आप करो माइनस टू जीरो नाइनटीन नाइनटी से, और ये भी अब आप करें, ये कितना हो गया जी जे माइनस थर्टी टू जीरो हो गया, ये कितना हो गया माइनस फिफ्टी नाइन हो गया, माइनस टू जीरो नाइनटीन। कॉलम सी टू है टू जीरो, अभी जो होगा ये एक्सपेंडिंग अलाउ सी टू हो, देखिए ये थ्री आया या ये गया, देखो आपका देखो ए सी थ्री ये लाइन और ये गई आपका, देखो अब क्या बचा माइनस थर्टी टू इंटू फाइव माइनस सेवन इंटू माइनस फिफ्टीन, तो थ्री इंटू थर्टी टू फाइव सर वन सिक्सटी, और माइनस माइनस का प्लस हो गया, तो माइनस माइनस का सेवन नाइन सर और सेवन फाइव सर थर्टी फाइव, थर्टी फाइव फोर्टी तो थ्री, तो थ्री सेवन फाइव, फाइव थ्री सर, इसको देख लो ये जरा चेक कर लीजिए। अरे अरे रे आपका देखो ये जब कॉलम गया थर्टी टू इंटू में नाइनटीन नहीं होना चाहिए, ओहो बाकी अरे यार देखो ये थ्री हुआ ना, ये थ्री है बीच में ना, तो बीच में तो आपका माइनस नहीं होगा साइन, साइन कन्वेंशन ये आपका माइनस थ्री हो ये गया तो माइनस थर्टी टू इंटू आपका नाइनटीन हो और माइनस ऊपर से नीचे आया और फिर आपका माइनस टू इंटू माइनस फिफ्टी नाइन माइनस थ्री थर्टी टू नाइनटीन से कितना हुआ माइनस सिक्स जीरो एट, माइनस माइनस का प्लस, लेकिन ये माइनस हो रहा तो टू फिफ्टी नाइन जा वन हंड्रेड एटीन आपका माइनस थ्री, और ये दोनों ऐड होके कितना हुआ माइनस माइनस का प्लस, तो इसको टू सेवन ट्वेंटी सिक्स के साथ थ्री को मल्टीप्लाई कर दीजिए टू वन सेवन ब्यूटीफुल, तो ये आंसर ऐसे आएगा। अगर डायरेक्ट आप करोगे छोटे छोटे डिटरमिनेंट यही आएगा, लेकिन अब यहाँ वो नहीं एप्लीकेबल है, यहाँ दो जीरो आपको बनाने पड़ेंगे, ये इसका मेन फंडा है डिटरमिनेंट का। पहला सवाल आपने जो किया आइदर यू हैव टू मेक टू जीरोस इन वन रो और वन कॉलम, तो हमने कॉलम टू में आपका बनाया और एक्सपेंड जहां आएगा उसी के अलावा आपका होगा, क्योंकि बाकी तो दो जीरो हो जाएंगे। इज इट क्लियर? प्लीज डू इट, हैव अ नाइस मॉर्निंग।